सभी को जोहार सभी आ गए ना नहीं आए चलिए लास्ट क्लास में क्या शुरू किए थे रेशियो चल रहा था यस आज थोड़ा हम लोग देखते हैं परसेंटेज की तरफ ठीक है परसेंटेज की तरफ तो थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं परसेंटेज क्या होता है बाबू परसेंटेज प्रतिशत अच्छा हिंदी में बोलते हैं इनको हिंदी में होता है प्रतिशत और कुछ अच्छा बट्टा होता है और कुछ डिस्काउंट भी होता है नहीं प्रतिशत होता है क्या है 100 होता है और कोई और कोई क्या होता है प्रतिशत को क्या कहते हैं यह भी एक प्रकार का रिलेशन है रिश्ता संबंध संबंध है संबंध एक पल से हम ये कह सकते हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे जैसे कोई एक नंबर है सौ so नंबर क्या नंबर सौ नंबर अगर कोई नंबर सो so है तो सौ so के आधार पर किसी भी चीज को हम देखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं प्रतिशत कहने का मतलब एक नजरिया है परसेंटेज नजरिया का मतलब मतलब एक तुलना करने का एक तरीका है परसेंटेज एक तुलना करने का तरीका है जैसे एग्जांपल मैं एक दे देता हूं अगर इस भाषा को ही समझेंगे इस शब्द को ही समझेंगे शब्द क्या है प्रतिशत का मतलब दो शब्द से बना है एक है प्रति और दूसरा है क्या सत प्रति का मतलब प्रत्येक चीज और का मतलब सो यानी कि इस दुनिया में कोई भी चीज है उसको अगर हम सौ की नजर से देखेंगे किसके नजर से अब आप बोलेंगे सौ की नजर का मतलब सो की नजर का मतलब समान नजर से देखना है इस नजर से अब बोलेंगे इसका मतलब क्या है तो मैं कहूंगा हम ना जीवन में बहुत सारा चीज तुलना करते हैं बहुत लोगों का बहुत सारे वैल्यू होता है या नाम होता है या फिर कुछ भी हो संपत्ति होता है तो उसको हम तुलना करते हैं और ये तुलना करने का एक तरीका होता है परसेंटेज और ये परसेंटेज इस परसेंटेज के कंसेप्ट से अगर हम तुलना करते हैं तो हम सही सही पाते हैं जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ छोटा सा एग्जाम्पल तुलना करने का तरीका है ना जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं जैसे तीन आदमी है कितने आदमी तीन आदमी और ये तीन आदमी कहीं काम कर रहे हैं नौकरी कर रहा है आप ही में से तीन आदमी है मान लीजिए एक के पास पचास हजार का पेमेंट है कितना हजार और एक के पास तीस हजार का पेमेंट है और एक के पास बीस हजार पेमेंट है यानी कि इनका पेमेंट अलग अलग है अगर कोई मान लीजिए इन तीनों को बुलाया कहीं पे बुलाया या तो पार्टी में या फिर पिकनिक के लिए बुला रहा होगा है ना कि आ जाइए और हम लोग पिकनिक मनाएंगे लेकिन थोड़ा सा क्या कीजिए खर्चा पन? अच्छा खर्चा करना है डोनेशन दीजिए क्या दीजिए अब ये डोनेशन देने आएंगे ठीक है ना लेकिन इसने डोनेट किया कितना मान लीजिए पांच हजार दे दिया चलो आप ही की मर्जी इसने दे दिया कितना तो मैंने ये कहा कि ये चार हजार दे दिया और ये कितना दिया ये दे दिया आपका पंद्रह सौ रुपया अब मुझे बताइए सबसे अच्छा काम हमारे हिसाब से कौन किया किसको सवासी मिलना चाहिए बढ़िया कौन काम किया हमारे लिए पिकनिक में हमने बुलाया तीनों को और तीनों को बुलाया ये पांच हजार रुपया दिया ये चार हजार दिया और ये कितना दिया बताइए कौन बेहतर काम किए हमारे लिए हाँ जी सबका अलग अलग राय हो सकता है कोई बोलेगा अरे मेरा चाचा है वो पांच हजार दिया मेरा चाचा महान है कोई बोला अरे मेरा भैया है चार हजार दिया मजाक है वो बढ़िया काम किया है ऐसे बोलेंगे लेकिन वो सही नहीं होगा है ना क्या बोले कौन सही किया ये सही ये या ये कौन हम्म बहुत कोई तो तुरंत देगा अच्छा पांच हजार दिया वही बढ़िया है हमें तो पैसा से मतलब है क्या बहुत कोई इसमें टिक मार देगा बोलेगा सबसे बढ़िया काम कौन किया उसने ज्यादा पैसा दिया लेकिन ये सही तुलना नहीं हुआ जब आप तुलना कर रहे हो तीनों में से तो सही तुलना नहीं हुआ जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए दो आदमी हैं एक का नाम है एक्स और एक का नाम है क्या वाई ये किसान का बेटा है किसका किसान का बेटा और रेलवे में नौकरी कर रहा है <laughs> और एक है जो नौकरी वाला का बेटा है यहाँ का नौकरी वाला का और वो भी रेलवे में नौकरी कर रहा है सबसे बढ़िया काम कौन किया कौन कौन विकास किया इसका बैकग्राउंड किसानी का था फिर भी रेलवे में है ना रेलवे में आ गया लेकिन ये नौकरी करने वाला बेटा है और फिर रेलवे में आया तो सबसे बढ़िया जो डेवलपमेंट जिसने किया वो कौन किया है यानी कि आपको ना बैकग्राउंड देखना है क्या देखना है ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते जब तक कि हम उनका बैकग्राउंड नहीं चेक करेंगे ऐसे देख के बोलेगा अच्छा था, पांच हजार दे रहा है इसका मतलब तो यही भालो है बिल्कुल नहीं वो कितना कमा रहा है उसका बैकग्राउंड है पांच नहीं पचास हजार था का पचास हजार कमाई है और कितना दे रहा है और तीस हजार कमाई है और कितना दे रहा है बीस हजार कमाई है और कितना दे रहा है हमें इस बैकग्राउंड को सुधारना होगा जिसका जैसे बैकग्राउंड होगा ऐसे हमें मानना ध्यान दीजिए यहाँ बीस हजार है दो हजार नहीं ऐसे <laughs> कोई नहीं बता पाएगा ऐसे कोई देख के नहीं बता पाएगा थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होगा क्या दिमाग बैकग्राउंड समान समान करना पड़ेगा रेस का स्टार्टिंग लाइन क्या होना चाहिए तो बेस का स्टार्टिंग टाइम बेस का वैल्यू भी सेम होना चाहिए ना तभी होगी तो बोलेगे सेम कीजिए सेम से सेम किया जाए तो बोलोगे ये जो कितना हजार है पचास हजार उस पचास हजार को अपने मन से मानिए चाहे आप सौ मानिए चाहे आप एक हजार मानिए जितना मानना चाहता है मानिए अगर मैं इस पचास हजार को सौ मानते हुए चलूंगा मान लीजिए उसका वेतन भी सौ रुपया है तो पचास हजार बराबर सौ होगा तो उस हिसाब से पांच हजार जो दे रहा है वो कितना हिस्सा दे रहा है तो पता करेंगे तीन जीरो तीन जीरो और इधर से डबल यानी कि पांच दुगने यानी कि देखा जाए तो दस हिस्सा दे रहा है अर्थात सौ रुपया अगर ए के पास वेतन होता तो वो कितना रुपया दे रहा है दस रुपया उसी तरह इनका भी चेक कर लेते हैं इनका तीस हजार है और तीस हजार को अगर मैं सौ मान लू तो उस हिसाब से चार हजार कितना हो रहा है तो तीन जीरा तीन जीरा एक जीरा एक जीरा तो क्या आया चालीस और बटा में क्या तीन, तो आ गया कितना यानी कि तेरह दशमलव तीन तीन आया यानी कि अगर इनके पास सौ रुपया होता तो हमें कितना दान देता आर एक जन के पास बीस हजार है कितना हजार और उसको भी अगर उसका बेस भी समान कर देते तब क्या होता तो आप बोलेंगे पंद्रह सौ रुपया को हम चेक करेंगे कितना दिया तो तीन जीरा यहाँ से दो जीरा यहां से एक जीरा यहाँ से एक जीरा यहाँ से तो इधर आया डेढ़ सौ और इधर आया कितना इसका मतलब कितना आया बोलिए सेवेंटी फाइव कहाँ गलती कर दिया ओहो, दो जीरो काटा दो जीरो काटा ये हटा गया ना यानी कि आता कितना तो आप बोलेंगे साढ़े सात बहुत कोई बोला था सी है ना यानी कि अगर इनके पास सौ सो रुपया होता तो दस रुपया चंदा देता इसके पास भी 100 होता तो साढ़े तेरह साढ़े नहीं तेरह दशमलव तीन और इसके पास 100 होता तो साढ़े सात सबसे बेहतर काम कौन किया बी किया है जब तक बेस समान नहीं होगा हम तय नहीं कर सकते कौन बेहतर है है ना कौन बेहतर है हम तय नहीं कर सकते इसलिए हमें ये सहारा लेना पड़ेगा ऐसा कुछ मानना पड़ा हम सो के आधार से चला हम सो क्यों यहाँ दो सौ भी लिख सकता था मैं यहाँ चार सौ चार सौ भी लिख सकता था यहाँ एक हजार एक हजार भी लिख सकता था लेकिन हमारे दादाजीओं ने हमारे जो गौरम हड़म लोग हैं वो लोगों ने बोला कि ऐसा करते हैं कि सो अच्छा लगता है सो कना इसीलिए हम सौ को ही मान के चलेंगे उसको समान समान मान के चलेंगे तो सो के आधार पे उन लोगों ने बोला और सो जहां पे दिखेगा उसको क्या मान लिया प्रतिशत जहां सौ के हिसाब से चलेंगे सौ बटा में भी लिखेंगे तो समान समान वाला कट जाता है तो एक आता है अर्थात उन लोगों ने बोला कि सो मानते हुए चलो हर चीज को हर चीज को अपने आप को सौ मानते हुए चलिए तो हर चीज का रिलेशन सही सही पता चलेगा है ना तो ऐसे ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं कौन बेहतर किया है पहले समान करना होगा बैकग्राउंड और बैकग्राउंड जब हम समान करते हैं तो उसको कहते हैं प्रतिशत एक कंपेयर करने का तरीका है जैसे हम लोग करते हैं ना कंपेयर कैसे करते हैं बोलते हैं देसी भाषा में अगर परसेंटेज को कहें तो परसेंटेज का देसी भाषा होता है औकाद क्या होता है तुम मेरे सामने है ना तुम्हारा क्या औकात है मेरे सामने बोलते हैं ना इसका मतलब तुम्हारा क्या प्रतिशत है मेरे सामने हम चार प्रकार से ही कंपेयर करते हैं जमाने में चार प्रकार से बोले मेरे सामने तुम्हारा क्या औकात है फिर बोलते हैं तुम्हारे सामने मेरा क्या औकात है समझे पास हाँ और फिर क्या बोलते हैं तुम्हारे सामने मेरा कितना ज्यादा औकात है मेरे सामने तुम्हारा कितना कम औकात है उस औकात को बोलते हैं प्रतिशत और वो डिपेंड करेगा सौ पर क्योंकि सौ मतलब समान समान आधार समान समान करने के लिए सौ मान के रखा गया है हमारा बस चलता मान लीजिए मैं ही उस समय जन्म लेता तो क्या पता सौ के जगह यहाँ लिख देता कितना हजार हजार पर होता है, है ना ये जो है ना एक जो चीज है उस एक चीज को हम सौ पर बांटेंगे सौ भाग में बांटेंगे प्रत्येक चीज को सौ की नजर से देखेंगे इसी को कहा जाता है क्या सत प्रतिशत बस चलता तो हम यहाँ हजार कर सकते लेकिन अब नहीं चलेगा है ना एक बार जब लोग मान लिया और हर चीज चल रहा है तो इसको बदलना आसान नहीं है उसके लिए दुनिया को फॉर्मेट करना पड़ेगा दुनिया को फॉर्मेट करना पड़ेगा और नया कंसेप्ट लेके आना पड़ेगा लाऊंगा जरूर लेकिन इस दुनिया में नहीं, नहीं। लेकिन आप बोलेगे सर कब लाएंगे हमें देखना है उसके लिए उस दुनिया में जाना पड़ेगा समझे आसान नहीं है तो ऐसे करना पड़ेगा यानी कि पूरा चीज डिपेंड करता है सौ पर हर चीज को सौ की नजर से देखना महात्मा गांधी जी भी शायद बोल के रखा था समानता का अधिकार ये है महात्मा गांधी ये है उनका चश्मा उसके चश्मा से देखोगे तो हर चीज क्या नजर आएगा समान समान कैसे तो बोलोगे क्योंकि पूरा प्रतिशत सौ पे टिका हुआ है क्या पे सौ पे टिका हुआ है इसी को लिखा जाता है एक एक मतलब एक तो थे दादाजी ठो कौन महात्मा गांधी जी उसके चश्मा की नजर से देखोगे तो हर चीज समान देखोगे उन वो जो है ना वो गरीबों को देखते थे तो उनको लगता था कि इनके पास कपड़ा नहीं है तो अपने को भी समान दिखाने के चक्कर में क्या करते थे कपड़ा कम पहनते थे समझे ऐसे बूढ़ों को अपने जैसा लगने के लिए वो हाथ में क्या रखते थे ठीक ऐसा करते थे है ना चश्मा लगा के रखते हैं ताकि समान समान नजर से देख पाए क्योंकि हमारा जो ये नंगा 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 नाच नाच नंगा है है आंख ना उससे समान देख नहीं पा रहे हम लोग समझे जानते हो कैसे देखते हैं हम लोग किसी को गोरा देखते हैं किसी को काला हम कैसे हैं बहुत बोलेगा गोरा है सर गोरा मेरे भैया के बगल में खड़े हो जाएंगे ना पता चल जाएगा आप खुद बोलोगे काला हो समझे तो हमारा नजरिया खराब है हम किसी को भी काला गोरा लंबा पतला मटका नहीं बोल सकते अमीर गरीब कुछ होता नहीं है जब हम कंपेयर करते हैं तब हम समझते हैं और और यही हम पढ़ना हमें पढ़ना हमें है है इसी का नाम चैप्टर क्या परसेंटेज हर चीज को सेम नजर से देखना को परसेंटेज कहते हैं और कुछ नहीं कहते तो बोलेंगे कैसे होते हैं तो इस तरह से होते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास सौ रुपया है कितना रुपया सौ रुपया में आपने सौ रुपया में सौ रुपया में दस रुपया आपने किसी को दिया तो प्रतिशत में कितना दिया तो बोलेगे सौ रुप, दस रुपया को ऊपर लिखेंगे सौ को नीचे लिखेंगे और इनटू कर देंगे क्या से तो क्या बन जाएगा प्रतिशत बन जाएगा कितना परसेंट मान लीजिए सौ रुपया है और सौ रुपया से आपने किसी को बीस रुपया दे दिया कितना रुपया तो इसका मतलब बीस रुपया को ऊपर लिखेंगे नीचे में सौ लिखेंगे इन करेंगे दस सौ से तो आ जाएगा कितना परसेंट मान लीजिए आपके पास सौ रुपया है और आपने किसी को दे दिया तीरिस रुपया कितना रुपया प्रतिशत में आपने कितना दिया तो बोले सौ रुपया मेरा बेस था बेस मतलब हमारा टोटल अमाउंट और उस पर हमने दे दिया तीरस रुपया तो प्रतिशत के दुनिया में क्या आएगा यानी कि हम सौ की स्टाइल से सोच रहे हैं तो हर चीज समान नजर आ रहा है दस रुपया दस परसेंट के बराबर हुआ और बीस रुपया बीस परसेंट के बराबर हुआ तीस रुपया तीस परसेंट के बराबर हो जाता है लेकिन अगर सौ के बदले कुछ और लिखें सौ सौ के बदले जो जो लिख दूं तो क्या होगा तो देखिए जरा सौ रुपया मैं दस रुपया दे रहा हूं सो सॉरी दो सौ रुपया से मैं दस रुपया दे रहा हूं तो दस रुपया ऊपर जाएगा दो सौ नीचे आएगा इनटू करेंगे है ना तो क्या होगा जैसे जैसे आप आधार को ज्यादा मानने लगोगे आप किसी चीज को छोटा देखने मतलब अपने आप को बड़ा देखोगे ना अपने आप को बड़ा मानोगे तो बाकी लोग छोटे नजर आएंगे क्या नजर आएंगे ये देखो छोटा दिखने लगा अपने आप को बड़ा माना 200 के बदले क्या माना अपने को डबल कर दिया तो इसीलिए इसका आधा हो गया अपने को छोटा मानोगे तो बड़े बड़े दिखेंगे कौन बाकी लोग कैसे मैं छोटा लेता हूं पचास रुपया लिया बेस को और दस रुपया उसके हिसाब से मैंने दिया तो बोले गए दस बटा कितना लिखेंगे प्रतिशत के दुनिया में क्या होगा मार खाओगे बोलो बोलो बीस जैसे जैसे आप अपने को बड़े मानोगे दूसरे लोग छोटे दिखेंगे जैसे जैसे अपने को छोटे मानोगे, दूसरे लोग बड़े दिखेंगे इसलिए ना छोटा देखो और ना तो क्या देखना चाहिए अपने को समान समान सो मानिए अपने आप को। दुनिया का हर चीज को सो मानते हुए चलिए हर चीज समान समान नजर आएंगे और वही समान समान नजर को ही हम परसेंटेज के बात समझते हैं समझे अब औकात की बात जब हो रही है तो औकात चार ही प्रकार से हम जानते हैं चार प्रकार से हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं ठीक है और वो चीज चार चीजें हमें पढ़ना है लेकिन एक चीज समझते हैं उससे पहले एक चीज समझते हैं बॉस कौन सा जैसे कहीं लिखा है बीस परसेंट कितना परसेंट इस 20 परसेंट का मतलब होता है यहां 20 है और इनटू में ये जो परसेंटेज जो सिंबल है ना उस जगह पे एक बटा क्या है सो है हाँ उसके जगह एक बटा सो है अब जब इनको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये एक बटा क्या नजर आएगा हाँ। आएगा ना यानी कि उसका ये ये जो द, जो पांच है वो पांच बेस है क्या है पांच बेस है वो पांच का बीस परसेंट एक होता है कितना परसेंट पांच का बीस परसेंट जल्दी जल्दी आओ बहुत टाइम लगता है लेट नहीं होना हाँ अगर बॉर्डर में जाना चाहेंगे और लेट से पहुंचेंगे कैसे चलेगा बताओ सारे आतंकवादी हमारे गांव में नहीं देश में घुस जाएंगे है ना पंचुअलिटी होना चाहिए टाइम का डिसिप्लिन होना चाहिए कैसे बनेंगे नहीं तो सोल्जर क्या सोल्जर द सूर्या सूर्या द सोल्जर मैन ऑफ ए करेक्टेड बाद में देखा जाएगा बाद नहीं भाई तो देखो क्या कहना चाहता हूं बोल रहा हूं कि 20 परसेंट को हम लिख सकते हैं बीस बटा कितना तो और बीस बटा 100 का मतलब एक बटा क्या उसी तरह पच्चीस परसेंट कहीं लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं पच्चीस बटा कितना तो बटा में 100 क्यों लिखा क्योंकि प्रतिशत जो दिया हुआ है इसीलिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक बटा क्या आएगा चार आ जाएगा यानी कि यह भी एक प्रकार के कंपेरिजन है चार का का परसेंट एक होता है, पांच बीस परसेंट एक होता है, ठीक है ठीक ना? पांच का बीस परसेंट क्या होता है एक या फिर सौ का बीस परसेंट क्या होता है बीस सौ का पच्चीस परसेंट क्या होता है पचीस नीचे वाला बेस है तो उसके हिसाब से वो है नीचे वाला चार है तो उसके हिसाब से वो है ऐसे हैं अब हमें ना कभी कभी जरूरत पड़ता है जैसे कहीं लिखा है पचास परसेंट ना तो उसको हमें ना इस तरह से बटा में जानना पड़ता है यानी कि पचास मतलब क्या होता है कहीं पे मान लीजिए ऐसे दिया है सोलह तो दशमलव क्या होता है एक बटा छ होता है ये याद करके रखना पड़ेगा इससे हमारा टाइम बचता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वो जो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड सवाल है सिर्फ चार ही प्रकार के हो सकते हैं और कुछ नहीं उसको पहचानना पड़ेगा चार प्रकार के हो सकते हैं और उनके तरफ मैं जाना चाहता हूँ थोड़ा सा कहा जाऊंगा उनके तरफ वो जो औकाद है चार प्रकार के है ना चार प्रकार के जो औकाद है उनके तरफ चलना चाहता हूँ चलिए किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो परसेंटेज एक प्रकार के रिलेशन को ही दर्शाता है रिलेशन मतलब तुलना एक दूसरे को जो तुलना करते हैं हम लोग वही है वही है कहाँ जाऊंगा यहाँ ये है मेरे ख्याल से परसेंटेज रेशियो यस चलो आ ही जाएगा लग रहा है अरे ये क्वेश्चन है आया नहीं कोई बात नहीं इससे पहले हम कुछ बनाते हैं पहले समझते हैं उसके बाद इनके बारे में बात करते हैं जैसे मैं एक पेज ले लेता हूं और इनके बारे में बात करते हैं जैसे कहीं लिखा हुआ है ए के पास मान लीजिए कितना हजार है चलो दो हजार ही ले लेता हूं और बी के पास थोड़ा कम है इससे मान लेता हूं कितना हजार पंद्रह सौ रुपया है अब इन दोनों के बीच में सिर्फ चार प्रकार के ही रिलेशन होता है कैसे पहला प्रकार का सवाल ऐसे पूछेगा ए की जो आय है क्या है ए की जो आय है बी का कितना परसेंट है कितना परसेंट है ऐसे बोलेगा ए की आय बी का कितना परसेंट है परसेंटेज में पूछेगा कितना प्रतिशत है एक प्रकार के सवाल ये होंगे दूसरे प्रकार के होंगे क्या बी की जो आय है वो ए का कितना परसेंट है कितना प्रतिशत है ये दूसरे प्रकार से सवाल हुआ तीसरे प्रकार के सवाल क्या होंगे तो आप बोलेंगे बोलेंगे तीसरे प्रकार के सवाल हो सकते हैं ए हाँ ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है ऐसे सवाल होंगे कितना प्रतिशत अधिक है ऐसे सामने आती है अधिक और चौथा प्रकार की बातें अगर लेके आएंगे तो बोलेंगे बी ए से कितना प्रतिशत कम है ये चीज तो किसी भी हाल में जानना है क्योंकि इस पे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं यहां कम बोलेगा कम ये चार ही प्रकार के हमें कंपेरिजन दिखाई देते हैं हमारे जीवन में इसके सिवा कोई दूसरा कंपेरिजन होता ही नहीं है मेरे से तुम्हारा ज्यादा कितना है तुम्हारे से मेरा कितना कम है मेरे सामने तुम्हारा क्या है आ, तुम्हारे सामने मेरा क्या है बस यही चार प्रकार के सवाल हर एक प्रतिशत में पूछे जाते हैं लेकिन थोड़ा छुपा हुआ रहता है पता नहीं चलता है ना पता नहीं चलता पता नहीं चलता तो आप बताइए जरा इसका क्या क्या आंसर हो सकता है कौन बता सकता है बताइए पहला वाला का आंसर क्या है दूसरा वाला का आंसर क्या है तीसरा वाला का आंसर क्या है बता सकते हैं बताइए जरा क्या हो सकता है दो मिनट दे रहा हूँ आप लोग बताइए जरा कितने को यह पता है चलो हाँ जी आपको यह डाटा दे दिया हूं ए 2000 बी 1500 और ए बी का कितना प्रतिशत है बी ए का कितना प्रतिशत है ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है और बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है लाया नहीं देखो ये अगर नहीं जानेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा है ना ये बल बिल्कुल जानना पड़ेगा इनके बारे में आपने लिखा होगा क्वेश्चन अब मैं ये क्वेश्चन लेके आता हूं थोड़ा सा और वहां बनाते हैं हम लोग हम्म ये था असली क्वेश्चन अब मिलेंगे इसी क्वेश्चन को टाइपिंग किया हुआ है है ना तो उसको हम बनाएंगे जैसे ये ये आपको दिखाई दे रहा है ये परसेंटेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कितने प्रकार के हो सकते हैं चार ही प्रकार के हो सकते हैं एक जो प्रकार के होते हैं उसमें का, के, की लगा रहता है उसका तुम कौन हो है ना इसके तुम कौन हो उसकी तुम कौन लगते हो ऐसे कंपेयर होती है कंपेयर मतलब की तुलना में और दूसरे प्रकार के तुलना से उससे तुम्हारा क्या मतलब उससे तुम्हारा कितना ज्यादा है इससे तुम्हारा कितना अधिक है ऐसे इसमें तुलना होती है और ये जो का के की है उसमें दो प्रकार से तुलना होगा दो ही संख्या होती है दो के बीच में ही तुलना हो सकता है एक टे टाइम दो के बीच में हो सकते हैं तीनों के बीच में नहीं चारों के बीच में नहीं क्या दो ही जन के बीच में तो बोलेंगे उसके उसके मामा लगते हैं या उसके भांजा लगते हैं ऐसा होगा उसके मामा भांजा लगते हैं ऐसा नहीं हो सकता है सिर्फ दो संख्या या दो व्यक्ति के बीच में कंपेयर होती है तो यहाँ पे दो व्यक्ति यानी कि दो संख्याओं के नाम यहाँ पे लिखे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या जब हम तुलना करते हैं तो बोलते हैं पहली संख्या की कौन है या फिर दूसरी संख्या की कौन है उसी तरह जब हम से से भी तुलना करते हैं तो बोलते हैं पहली संख्या से कितना ज्यादा है या दूसरी संख्या से कितना कम है ऐसे हम कंपेयर करते हैं अब ये कंपेरिजन इसमें देखेंगे हम लोग पहला कंपेरिजन इसके पहले वाला सवाल आप खुद बनाओगे ये हम बनाएंगे है ना ऐसे जब सवाल होते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं देखो लिखा है कौन कौन ए है एक ठो और बी है ए के पास कितना है पंद्रह हजार और बी के पास छ हजार जब इसको कंपेयर करते हैं तो सवाल में बोला ए की आय बी की आय का देखिए का लगा हुआ है किसका बी की आय का मतलब इसके हिसाब से कंपेयर किया जा रहा है मतलब इनके सामने इनका कितना औकात है कितना प्रतिशत है वो पता करना है इनके सामने बी के सामने तो बोलेगा बी के सामने बोल रहा है तो इधर के हिसाब से सोचना है तो बोलेगा बी को ना आधार में रखना होगा क्योंकि इनके हिसाब से सोचना है और किसको अपने हथली के ऊपर में रखना है पंद्रह हजार को और क्या में कर देंगे तो मैं, आप किसी का औकात पता करना चाहोगे ना तो आपके ऊपर उसको डिपेंड करा दो आप नीचे रहो उसके ऊपर हथेली में आप उनको रखो मेरा हाथ हटेगा तुम गिर जाएगा औकात तुम्हारा खत्म है ना यही चीज जिसका औकात पता करना है जिसका प्रतिशत पता करना है उसका ऊपर में होता है और जिसके आधार पे पता करना है वो नीचे होगा तो बी के हिसाब से सोचना है इसलिए बी को नीचे बस खत्म हो गया काटेंगे काटेंगे है कि नहीं तो आप बोलेंगे ये पंद्रह सौ लगेगा ऊपर में और नीचे छ काट सकते हैं इतना वेरी गुड तो हमारे पास ये और ये कट जाएंगे यानी कि यहां अगर आप तीन से काटते हो तो ये साढ़े सात होगा और बटा में तीन तो आ गया कितना साढ़े दो मतलब ढाई ढाई प्रतिशत है इसके हिसाब से ढाई ढाई प्रतिशत ये है लेकिन इस चीज को ऐसा भी लिख सकता था तो कैसे ए और बी अनुपात बना दो क्योंकि ये भी रिश्तेदारी है तो अगर ये छह हजार है तो ये कितना हजार होगा तो तीन जीरो तीन जीरो हटा सकते हैं पांच पंद्रह और पांच दुग्ने पांच दुगने कहा तीन दुगने। यानी कि दो रेशियो क्या बना पांच दो रेशियो पांच बना तो इसके हिसाब से इनका पता करना है इसके हिसाब से तो बोले कि ये वाला नीचे होगा ये वाला ऊपर होगा और क्या में करना है प्रतिशत में तो क्या आ जाएगा ढाई सौ प्रतिशत 100 से जैसे आपने किसी को गुना किया तो वो प्रतिशत में बदल जाता है किसी भी चीज आप अपने आप को भी सौ से गुना कर दोगे ना तो आप बन जाओगे प्रतिशत जैसे मान लीजिए इसका संजय नाम है अगर मैं संजय में सौ गुना कर दूं तो ये बन जाएगा संत प्रतिशत जैसे बन जाएंगे है ना लेकिन जैसे कोई है और, और कोई आदमी है और उसको मैं सौ से भाग कर दूं तो वो भिन्न बन जाएंगे बटा में आ जाएंगे है ना तो एक तरीका ये था एक तरीका ये था लेकिन इसको करने का स्टाइल ऐसा नहीं और भी तरीका है ऐसे भी तो लिख सकते थे कैसे सीधा इसके हिसाब से सोचना है ना बी के हिसाब से सोचना है मतलब आधार बी का है और बी का बेस होना चाहिए और बेस समान होना चाहिए तो ये जो छह हजार है उस छे हजार को क्या मान लेंगे सो और सौ है अगर उनका तो इनका क्या होगा बराबर ठप्पा लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ सामने आएगा वही हमारा आंसर होगा यानी कि अगर बी को सौ परसेंट कहेंगे तो बी के स्टाइल से A का कितना परसेंट होना चाहिए 500%. उसी तरह यहां पे भी कर सकते थे दो बराबर हंड्रेड परसेंट लिखते और पांच बराबर कितना परसेंट होगा वो पता करते तो आप बोलेंगे यहां पे पांच सौ बटा होगा मतलब ढाई होगा ये होता है तो जो आपको अच्छा लगता है बहुत कोई ये रेशियो बना बना के कर सकता है तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग अदरवाइज बेसिक तरीका है कुछ उससे करते हैं हम लोग तो यही बेस्ट है जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसी को थोड़ा सा रूप बदल के पूछेगा जैसे अभी हमको बी के स्टाइल से पूछा था तो अब हमको किसके स्टाइल से पूछा है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा आप लोग के तरफ से मैं कौन हूं टीचर लेकिन मेरे तरफ से भी टीचर है क्या नहीं स्टूडेंट तो जिधर से है ना यहाँ पे भी बोला पहले बोला था बी की आय का कितना परसेंट अब बोला ए की आय का कितना परसेंट तो बदल गया उसका बेस बदल रहा है तो बेस बदलने से औकात भी बदल जाते हैं है ना औकात बदल जाते हैं प्रतिशत वैल्यू बदल जाते हैं यानी कि अगर देखा जाए तो ए लिखा हुआ, और लिखा हुआ है, हजार है? हजार है और बी लिखा हुआ है ये पंद्रह सौ है कितना है छह हजार है तो बोलेंगे इधर से बताइए कितना है वो कम अधिक नहीं बोला कितना है वो बताइए बोला इधर तरफ से मतलब एक ही स्टाइल से तो बोलोगे छह हजार ऊपर में होगा और पंद्रह हजार नीचे होगा और इन में क्या होगा तो तो यहाँ तीन जीरो तीन जीरो ऐसे खड़का देंगे और आप बोलेंगे यहां से काट देंगे कितना बार में है ना दो बार में और इसको काट देंगे पांच बार में तो पांच बीसा इसका मतलब कितना आया चल्लास यही चीज को ऐसे नहीं करते ऐसे करते तो भी तो अच्छा लगता पंद्रह हजार है और छ है हजार और हजार को हटा देंगे तो ये दो रेशियो क्या बनेंगे पांच अब हमको इधर से सोचना है तो आप बोलेंगे दो को ऊपर लिखिए पांच को नीचे लिखिए क्योंकि पांच के स्टाइल से सोचना है ऐसे हो गया यही चीज को ऐसा भी लिख सकते थे हम कैसे तो आप बोलेंगे इनके हिसाब से सोचना है इनके हिसाब से तो उनको हंड्रेड मान दिए ये जो पंद्रह हजार है उनको क्या मानिए 100 और उस हिसाब से उनका कितना औकाद है वो पता करेंगे तो ये कटेगा ये कटेगा ये पांच आएगा ये दो आएगा पांच बीस में आएगा और ये चाल आ जाएगा कितना आएगा चल्लास है ना तो इधर भी तो कर सकते थे तब तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल आपकी मर्जी है ऐसे हो जाता तो कई बार ऐसे करना बेस्ट है कई बार ऐसे करना बेस्ट है कई बार ऐसे ऐसे लिखना भी सही माना जाता है हाय एक ही बात अलग नहीं है ये पूरा खेल परसेंटेज का है है ना परसेंटेज का लेकिन आप लोग परसेंटेज मत लेना पता चला पुलिस बन गया ट्रैफिक पुलिस बन गया उधर से परसेंटेज ले रहा है सही नहीं है क्या जी हाँ जो ले रहा है उसको दो दो यानी तो ऐसे तभी तो देश बचेगा नहीं तो देश तो खोखला होगा क्या मुड़ी भजा जैसा हो जाएगा हवा दिया तो उड़ गया वेरी गुड तो मत जाते हो ये सब इसका मतलब मुड़ी खाए हो आगे चलते हैं देखो जरा मुड़ी के बाद घुगनी देखो इस घुगनी को देखो हालांकि देखेंगे तो सेम ही लगेंगे मुड़ी के साथ मिला हुआ है जो अब हमें से से बातें बोलेंगे ए के पास पंद्रह हजार बी के पास छह हजार ए की आय बी की आय से कितना अधिक है बोला किसकी A की आय बी की आय से कितना अधिक है इसका मतलब ये था और इसके पास पंद्रह हजार था है ना तो मुझे बताइए यहां से यहां कितना अधिक नजर आ रहा है कहां से बी से तो इधर से अधिक दिख रहा है कितना हजार नौ हजार और नीचे में इधर से बोला है तो से को नीचे लिखा जाता है से को नीचे मतलब वहां से शुरुआत था और क्या पता करेंगे अच्छा बताइए पहले कितना परसेंट आया था ढाई सौ परसेंट था ना सौ परसेंट से कितना था वो ढाई सौ परसेंट सौ परसेंट से कितना था कितना अधिक था बताइए डेढ़ सौ ज्यादा था वही चीज यहाँ आएगा वही वाला टो यहाँ आएगा क्योंकि डिफरेंस जो चाहिए हमें तो बोले के तीन जीरो और तीन जीरो हम हटा दिए तो ये तीन आएगा और यहाँ दो और तीन पाँच मतलब दो पांच और पांच तीन पंद्रह और एक जीरो वहां देखिए ना एक बार जो सवाल हमने किया था उस समय सौ से क्या हो गया था ढाई सौ हुआ था और एक में सवाल हुआ था सौ से कितना हो गया था चालीस यानी कि पहले कितना अधिक था डेढ़ सौ अभी कितना कम था यहाँ साठ ये दोनों ही तो अभी आंसर के रूप में आने वाला है कहीं से नहीं वही चार खिलाड़ी लोग हैं एक तरीका ये था नहीं तो ऐसे करते तो अच्छा होता ये छह हजार है ये पंद्रह हजार है इनको इनको काटते तो दो रेशियो क्या आता तीन नहीं पांच अब बोला इधर से कितना अधिक है कितना अधिक है तीन कहा से क्या में तो कितना या फिर थप्पा लगा दोगे क्या लगाओगे वो थप्पा लगाओगे कैसे यहां से अधिक है यहां से इसका मतलब उसी को सौ के बराबर मानो क्या के बराबर तो और बताइए यहां से ये कितना अधिक है नौ हजार तो नौ हजार बराबर क्या लगा दोगे यहां पे भी यही खेल है छह हजार के बदले अब तो कुछ और है क्या दिया है तो आप बोलोगे दो है तो दो बराबर आप क्या लिखोगे सौ और कितना अधिक है तीन तो तीन बराबर ठप्पा लगाओगे तो वही आएंगे डेढ़ सौ ही आएंगे क्या चीज घटाओगे तब ना दिखेगा बॉस कितना अधिक है पूछ रहा है ना सवाल में तो तीन ज्यादा है तो ज्यादा का प्रतिशत वेल्यू चाहिए ज्यादा का प्रतिशत वैल्यू चाहिए इसीलिए ऐसा करते हैं ठीक है ना यानी कि हमने तीन प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हम सीख लिया चौथा प्रकार में कम पूछेगा ये ज्यादा पूछा था अब बहुत कम पूछेगा कौन सा ऐसा अच्छा आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा ना सॉल्यूशन के साथ अब तो हल्का पुल्का भी हाथ चलाओगे चलेगा बंदूक से मत उड़ाना है ना बिल्कुल मिल तो रहा है है ना मिल तो रहा है एक ही पंद्रह हजार है और बी की छह हजार है बोला बी की आय एक की आय से कितना प्रतिशत क्या है कम है मुझे बताओ जरा यहाँ ए है यहाँ बी है ये छह हजार था और यहाँ पंद्रह हजार तो इधर से ये कितना कम है ये पूछा जा रहा है तो बोलो कि कम हो या अधिक हो क्या होता है समान होता है समान तो बोले कितना हजार कम है बंधु नौ हजार कहाँ से कम है उससे कि इससे इससे कम है इसीलिए पंद्रह हजार नीचे होगा जिधर से कम होता है उसी को मानना होता है बेस तीन जीरा तीन जीरा है कि नहीं तो बोलोगे यहाँ पे काटेंगे पांच बार में यहाँ काटेंगे तीन बार में तो देखिए ना साठ परसेंट आएगा कितना परसेंट वो जो चालीस आया था सौ से कितना कम है साठ वही है यही चीज को रेशियो के तरीके से करते तो अच्छा होता रेशियो बना देते तो ये दो होता ये पांच होता है इससे कितना कम है तीन कहां से कम है पांच से क्या में कम होगा प्रतिशत में कितना होगा हाँ यही चीज है ध्यान दीजिए अच्छा साठ है चलो चालीस को साठ मान लिया है ना मैथमेटिक्स है कुछ भी मान सकते हैं बकरी सुकरी जो भी मानो क्या दिक्कत है चलो देखिए अब क्या कहानी है तो बोलेगा अब मैं ऐसे भी कर सकता था इसको इधर से अधिक है बोला कि सॉरी कम है बोला इधर से तो ये जो से है उसको हंड्रेड लिखोगे यानी कि पंद्रह हजार को कितना परसेंट मानेंगे 100 परसेंट उस हिसाब से कितना अधिक या कम लग रहा है कम लग रहा है कितना 9000 तो 9000 बराबर ठप्पा लगा देंगे बस खत्म इसको भी ऐसे लिख सकते थे पांच बराबर हंड्रेड परसेंट और कितना कम है तीन तो तीन बराबर ठप्पा लगाएंगे तो कम को प्रतिशत में बदल पाते हो यानी कि कितना परसेंट आना है साठ परसेंट ये जो चार टाइप के सवाल है परसेंटेज में हो या बाकी कुछ भी परसेंटेज से रिलेटेड सवाल हो मतलब चैप्टर हो सारे में इसी तरह का कहानी बनती है हर जगह आपको पहचानना पड़ेगा किधर से या किसका किसका भतीजा है या किस से मार खा के आया है समझे वो का और से समझना होगा कौन है वो बेस कौन है आधार कौन है किधर से कंपेयर किया जा रहा है वो हमें देखना होता है अब जब हम देखना होता है तो हमें थोड़ा बहुत जानकारी लेना पड़ेगा जैसे इस जगह को ना यहाँ दिख रहा है ना तीन बटा क्या अगर किसी को याद होता तो ये डायरेक्ट लिख सकता था कितना यही चीज क्यों करूं ऐसा क्यों करूं मैं यहाँ पे भी लिख सकता था डायरेक्ट कैसे यहाँ पे इसको और इसको अनुपात बना दीजिए ये बनेगा कितना ये बनेगा कितना तो पांच इधर से ये कितना कम है तीन कम है पांच से तो कितना परसेंट होगा अगर तीन बटा पांच मतलब साठ परसेंट होता है अगर पता चल जाता तो हमें कॉलम चलाने की भी क्या चलाना पड़ेगा गोली नहीं अच्छा बंदूक हाँ दिमाग चलाना पड़ता है तो हम इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं वो चर्चा करेंगे कहीं पे भी एक लिखा है तो उसको प्रतिशत में क्या कहा जाता है सो so, दो लिखा रहेगा तो दो सौ परसेंट तीन लिखा रहेगा तो तीन सौ परसेंट समझ रहे हैं बात उसी तरह अगर आधा लिखा रहेगा तो फिफ्टी परसेंट है ना एक बट्टा चार लिखा रहेगा तो इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेना है तो आगे बढ़ता हूं जैसे चर्चा में कौन आया है वही लोग आया है ये आपको जानकारी लेना पड़ेगा दिखाई दिया हाँ दिखाई दे रहा है देखो क्या लिखा है क्या लिखा है देखिए आप एक बटा एक मतलब एक ही होता है और उसको प्रतिशत के दुनिया में कहते हैं और डेसिमल में भी मतलब पॉइंट वाला दशमलव वाला भी प्रतिशत हो तो ऐसे ही होगा लेकिन अगर डेसिमल नंबर में हो तो एक बटा एक को एक ही कहा जाता है अगर कहीं आधा लिखा है मतलब एक बटा दो लिखा है तो इसका भी आधा करना पड़ेगा एक का मान हंड्रेड परसेंट है तो एक का आधा करेंगे तो इधर भी आधा होगा इधर तीन भाग करेंगे तो इधर भी तीन भाग होगा इधर चार भाग करेंगे तो इधर भी ये नियम है संसार का क्योंकि दोस्ती यारी का नियम है रेशियो के जैसा है ये भी है ना इसीलिए तो आधा किया तो ये भी क्या हुआ तो ये भी क्या हुआ तो ये भी क्या हुआ पॉइंट वाला आधा अगर मैं एक बटा तीन लिखूंगा तो सौ को भी एक बटा क्या सौ को भी क्या करना पड़ेगा तीन भाग करना पड़ेगा अगर हम सौ को तीन भाग करेंगे तो तीन तैतीस नब्बे और एक बटा क्या बचेगा तीन हो गया इसी को दसों वाला में लिखूंगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा दिखेगा प्रतिशत में है ना ऐसा दिखेगा ए वाला और इसको आप लगभग मान लो गर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री दिखाई देता है तो आंख बंद करके सोच लेना यही है और यही है मतलब यही है भिन्न में है ये प्रतिशत में है ये दशमलव वाला प्रतिशत में है और वो सिर्फ दशमलव वाला संख्या है प्रतिशत नहीं पॉइंट है ना जीरो पॉइंट थ्री थ्री है, है ना इसको जब आप भाग करोगे तो वो वाला आएगा लेकिन इसको जब सौ से गुना करोगे तो ये वाला आएगा क्योंकि प्रतिशत जो बनाना था वो प्रतिशत नहीं है ये प्रतिशत है पहचानना होगा आपको एक बट्टाचार को सौ से गुना करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाता है तो क्या बन जाता है पच्चीस डेसिमल में भी पॉइंट जीरो होगा और क्या होगा तो पॉइंट जीरो हो या जो भी हो है ना इसमें तो कोई इशू ही नहीं है एक ही बात है इसीलिए आप दशमलव में लिखेंगे तो दो घर के पहले पॉइंट आ जाता है, है ना दो घर के पहले क्यों क्योंकि सौ से हमने फिर से भाग किया इसीलिए एक बटा पांच मतलब सौ बटा पांच और 100 बटा पांच मतलब बीस परसेंट परसेंट को डेसिमल में भी वही दिखते हैं क्योंकि पॉइंट है हाँ ही नहीं कट रहा है पूरा तो तो में क्या होगा तो 20 को जो है ना किस से भाग करना था सौ से समझ रहे बात ये जो बीस है फिर सौ से भाग करेंगे तो ऑटोमेटिक पॉइंट क्या आएगा एक्स्ट्रा था इसी तरह एक बटा छ है तो एक बटा छे को सौ से गुना करेंगे क्या से तो होगा सोलह पूर्णांग दो बटा तीन सौ बटा छ सौ बटा छ मतलब सोलह पूर्णांक दो बटा तीन और सोलह पूर्णांक दो बटा तीन को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे लेकिन इसको लगभग में मान लेंगे कितना लेकिन दशमलव के रूप में होगा अगर सिर्फ प्रतिशत नहीं होगा तो फिर ऐसे होगा दो घर पहले शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट ये जो पॉइंट था वो इस साइड आ जाएगा ये देखिए वाला पॉइंट दो घर पहले चला आ जाता है ऑटोमेटिक जैसे कहीं लिखा है एक बटा दू और कोई बोलेगा दशमलव में दिखाओ तो बोलेगा दो घर पहले शिफ्ट होगा तो बोलेगा इसका मतलब होता है पचास परसेंट कितना परसेंट और पचास परसेंट है तो दो घर पहले पॉइंट दे दो और ए वाला हट जाएगा ये परसेंटेज में है लेकिन हम इसको परसेंटेज में नहीं देना चाह रहे हैं दशमलव में देना चाह रहे हैं तो अब दशमलव में आ जाएंगे तो बोलेगे दो घर के क्या पहले देना पड़ेगा इसीलिए वहां पर लिखा था जीरो पॉइंट क्या फाइव इसीलिए लिखा हुआ था जीरो पॉइंट फाइव तो ऐसे हमें इनको याद रखना पड़ेगा बुरे वक्त में काम आता है क्या आता है काम इसका मतलब काम की बातें हैं काम आता है मतलब काम की बातें हैं उसी तरह एक बटा सात मतलब सौ बटा सात परसेंट सौ बटा सात परसेंट मतलब चौदह से ही दो बटा कितना से गुना किया था इसको तब जाके क्या बना होगा वेरी गुड और जब इनको पॉइंट वाला के स्टाइल से लेके आएंगे तो ये जो दू है उसको सात से भाग करेंगे तो लगभग टू एट समथिंग आता है ठीक है और इसको अगर दशमलव के दुनिया में लेके जाऊंगा प्रतिशत को छोड़ के तो बोले ये जो पॉइंट था दो घर पहले ओला फिर और दो घर पहले चला जाएगा तो ऐसे होने लगेंगे और वो प्रतिशत तो हट जाएगा उसी तरह एक बटा आठ मतलब साढ़े बारह परसेंट और साढ़े बारह परसेंट को ऐसा भी लिखा जाता है दशमलव में और उसी को अगर मैं दशमलव वाला संख्या बनाऊंगा प्रतिशत नहीं तो फिर ऐसा होगा दो घर के पहले चलाएगा पॉइंट उसी तरह एक बटा नौ का एगारो सही एक बटा नौ मतलब वैसा है ना और उसी को ऐसा लिखा जाता है एक बटा दस मतलब दस परसेंट दस परसेंट जीरो पॉइंट वन एक बटा ग्यारह मतलब नौ सही एक बटा ग्यारह परसेंट और नौ दशमलव जीरो नौ जीरो नौ जीरो नौ जीरो नौ ऐसे चलता है, चलते जाएगा, चलते जाएगा, है आवर्ती संख्या है और इसको लगभग ऐसे समझ के रखेंगे याद करके रखेंगे और वो होगा जीरो दशमलव जीरो नौ जीरो नौ जीरो नौ ऐसे चलते जाएंगे उसी तरह एक बटा बारह को लिखते हैं हम आठ सही एक बटा क्या तीन, सही एक बटा तीन और इसको दशमलव के टर्म में लिखेंगे तो ऐसा होगा लेकिन लगभग में मान लेंगे तो ऐसा होगा और दशमलव के संख्या में परिवर्तित करेंगे तो ऐसा होगा ठीक है अभी आपके पास जो परसेंटेज से रिलेटेड सवाल होंगे उसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है बड़े बड़े डाटा दिया है लाखों में दिया है पेमेंट भी तो मिलता है दो महीना में ही एक लाख रुपया आ जाता है समझे एक्स्ट्रा खर्चा सब मिला के यार है ना रहने का नहीं खर्चा होगा और मेडिकल का खर्चा नहीं है नाश्ता पानी का कोई खर्चा नहीं क्या जी हर चीज का वहाँ पे व्यवस्था है अगर पीने का भी देखोगे तो कम में मिल रहा है समझे शरबत उर्बत क्या आप क्या समझे चकना के साथ जो असिस्टेंट में रहता है वो नहीं यार खाना खा रहे हो झाल लगा तो पानी नहीं पियोगे समझे उसका बात कर रहा हूं आप चले जा रहे हो कहा भाटी कैंप में जाओ कैंप को भाटी मत समझो है ना नहीं तो मिलेगा लाठी क्या कुटम में मेरम पाठी क्या वाह 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 बहुत अच्छा है तो देखो एक बटा तेरह मतलब सौ बटा क्या तेरह हंसाते हो तुम लोग यार 100 बटा तेरह और सौ बटा तेरह को लिखते हैं सात पूर्णांग नौ बटा तेरह परसेंट सात पूर्णांग नौ बटा तेरह परसेंट को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो सात दशमलव समथिंग नौ नौ और क्या सॉरी 6 और क्या नो. और इसी को दशमलव में लिखेंगे प्रतिशत में नहीं तो ऐसा दिखेगा लगभग ऐसा ठीक है कोई दुख है जिंदगी में नहीं क्या बात करता है यार दुख ही दुख है बहुत झमेला है यार तब तो आपका जिंदगी में दुखी दुख है ऐसा काहे हुआ पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी हो जाता है अच्छा कोई बात नहीं डाउट होगा क्लियर कर लेंगे कहाँ था बॉस यहाँ और ये वाला था ऐसा था पानी में प्यास लगा है हेलो hmm. ये था यही था ना hmm. इसको पहचानना होगा दोस्त है ना इसको थोड़ा सा याद रखने से ना आपका कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा एक बटा चौदह मतलब सौ बटा चौदह होता है कितना बटा सौ बटा चौदह परसेंटेज होता है इसको काटते पचास से इसको काटते सात से जब इनको सॉल्व करेंगे तो पचास बटा सात परसेंट आएगा इनको बढ़िया से लिखेंगे तो सात सत्य उनचास बटा सात परसेंट आता है लेकिन अगर इसी को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो सात दशमलव समथिंग समथिंग होना चाहिए तो बोले एक को सात से भाग करेंगे तो पॉइंट देंगे तो दस बनेगा क्या बनेगा पॉइंट देंगे तो दस बना तो दस एक से जाएगा सात के साथ बचा कितना तीन तो तीस होगा तीस होगा तो कितना में जाएगा चार में फिर कितना बचा दो दो मतलब बीस हुआ बीस मतलब सात दुगने चौदह तक जाएगा फिर छे हुआ तो छ है तो साठ होगा साठ होगा तो आठ से जाएगा वो देखिए लगभग में ऐसा तो वही चीज बनती है एक बटा पंद्रह मतलब सौ बटा पंद्रह सौ बटा पंद्रह मतलब बीस बटा तीन बीस मतलब तीन छोक अठारह दो बटा तीन तीन छोक दो बटा तीन इसी को दशमलव में लिखेंगे तो दो को तीन से भाग करेंगे किसको दो को तीन से भाग करेंगे तो दो को तीन से भाग करेंगे तो दो छोटा है पॉइंट देंगे बीस बनेगा तीन छो का फिर तीन छो का अठारह फिन तीन छो का अठारह ऐसे चलते जाएंगे है ना ऐसे चलते जाएंगे छ छ चलते जाएंगे इसलिए हम सिर्फ लगभग में मान लेगा पॉइंट छ छ इतना ही मान लेने से काम चल जाएगा अब उसी को ऐसा लिखा जाता है उसी तरह एक बटा सोलह मतलब सौ सो बटा सोलह सौ सो बटा सोलह मतलब पच्चीस बटा क्या चार और पच्चीस बटा चार मतलब चार छोक एक बटा चार. और एक बटा चार के बारे में आपने पढ़ा है कुछ देर पहले बाबा पच्चीस परसेंट होता है और पच्चीस परसेंट तो प्रतिशत में होता है दशमलव के दुनिया में क्या होता है पॉइंट टू इसलिए पॉइंट टू फाइव यहाँ दिखने लगा है ऐसे दिखता है दिखता है उसी तरह एक बटा सत्रह है मतलब सौ बटा सत्रह सौ बटा सत्रह मतलब पांच सत्रह पचासी क्या सत्रह पांच सत्रह पचासी पचासी मतलब पंद्रह बचेगा इसलिए पांच पूर्णांक पंद्रह बटा कितना सत्रह इसी को पॉइंट वगैरह में कुछ लिखोगे तो लगभग ऐसा कुछ आएगा एक बटा अठारह मतलब सौ बटा अठारह सौ बटा अठारह मतलब पचास बटा नौ और पचास बटा नौ तो मतलब पांच नौ पैंतालीस मतलब पुरनांग पांच पूर्णांग पांच बटा नौ और पांच पूर्णाक पांच बटा नौ का मतलब पांच दशमलव पांच को फिर नौ से भाग इसका मतलब पॉइंट होगा तो पचास होगा नौ पांच पैतालीस नौ पांचे पैतालीस नौ पांच पैतालीस नौ पांचे पैतालीस चलते जाएंगे और इसको रोक देंगे दो डिजिट तक में इसको बोलते हैं अवर्ती संख्या आपको भी सवाल पूछे जाएंगे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे दो दशमलव पांच और यहाँ पे लॉक कर देगा और इसका मान बताइए बोलेगा लॉक ये लॉक क्यों हुआ क्योंकि वो लीकेज कर रहा था क्या कर रहा था लीकेज कैसे कर रहा था लीकेज तो बोल गया लॉक हटाता हूं देखो तो पांच 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 चलते जाएंगे कोई रोकेगा नहीं इसको रोक ही नहीं पाएंगे उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा या फिर ताली लगाएंगे कैसे ताली लगाएंगे पॉइंट का मतलब बटा होता है या फिर प्लस बटा ये जो पांच दिख रहा है उसको ऊपर में लिखेंगे और नौ से भाग करेंगे तो नौ दुगने तो तेईस बटा नौ को ही ऐसा लिखा जाता है क्या चीज वो बेसिक से बनता है वो नौ 9 नीचे में लिखेंगे तो वो कट जाएंगे क्या हो जाएंगे मतलब ये वाला जो लॉक है वो हट जाते हैं वो हम लोग है हाँ हम लोग बेसिक से जब पढ़ते हैं तब तो सीखते हैं कैसे तो ऐसा कभी दिया हो जैसे पॉइंट थ्री थ्री कहीं लिखा हो है ना क्या लिखा हो पॉइंट थ्री 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 ऐसे समझ लीजिए तब डायलॉग मार ही दिया पूछ ही दिया तो हम हम भी मानेगा नहीं दुश्मन को उड़ा के ही छोड़ेंगे क्या पर हम सोल्जर नहीं है पॉइंट थ्री थ्री कहीं दिखता है ऐसे चलते गया है मान लीजिए तो इसका मतलब ये रिकरिंग नंबर है ये आवर्ती संख्या है रुक नहीं रहा है तो रुकने का तरीका क्या होता है लॉक लगाना क्या लगाना तो लॉक लगा देंगे point देने के बाद क्या करेंगे? ऊपर में लॉक क्योंकि एक ही नंबर तीन जो बार बार रिपीट हो रहा है अब इसको बनाते कैसे हैं इसको लिखा जाता है तीन बटा नौ और तीन बटा नौ मतलब उसी तरह कहीं लिखा है पॉइंट टू 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 ऐसे चलते जा रहा है इसका मतलब इसको लिखते हैं पॉइंट टू के ऊपर में क्या लॉक और लॉक को हटाने के लिए बटा में क्या लिखते हैं नौ no कहां से आता है समझाता हूं हम जो पढ़ते हैं नंबर सिस्टम वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं क्या मल डेसिमल डेसिमल नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं दस होते हैं नौ होते हैं क्या होते हैं दस होते हैं तो दस होते हैं तो एक डिजिट दो है तो बाकी नौ बचेंगे ना तो बाकी नौ डिजिट से भाग होती है हालांकि वो ऐसा नहीं कुछ इस तरह का बातें हैं समझिए चीज मान लीजिए मुझे इसको ऐसा बनाना है है ना मतलब दसमल को क्या में बदलना है भिन्न में तो इसका स्टाइल कैसा है लेट कुछ मानना पड़ता मैथमेटिक्स है ना माना की है ना माना कि पॉइंट टू 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 ऐसे चलते गया है उसको हम क्या मान लेंगे x मान लिए अगर मैंने x मान लिया तो मैं ऐसा करता हूं कि इधर मैं 10 से गुना करता हूँ क्या से तो इधर भी 10 से गुना कर सकता हूँ पक्का बिल्कुल सही है तो मैं अगर 10 से गुना करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी तो बोलोगे 10 से जैसे आपने गुना किया तो यहां पे हो जाएगा पहले आ जाएगा टू एक ठो और उसके बाद एक रह जाएगा और है ना ऐसे ऐसे चलते जाएंगे फिर से नहीं जाएंगे क्या बिल्कुल जाएंगे इसका कोई अंत थोड़े है बस बस बराबर में क्या होगा तब दस, एक, बस हो गया देखने से मुझे कुछ लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे पॉइंट है यहाँ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कभी जैसे टू पॉइंट फाइव है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं टू प्लस पॉइंट फाइव नहीं लिख सकते लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसा लिख सकता हूं पॉइंट टू 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 ऐसा लिख सकता हूं क्या हाँ लिख सकता हूँ मुझे बताइए दू तो दू है इसके बदले क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं क्योंकि उसको तो हमने मान के रखा था यानी कि टू प्लस क्या होगा बराबर में क्या होगा इसका मतलब टू यहाँ आएगा और ये उधर जाएगा तो क्या आएगा नो ये देखो नो आया हर जगह नो आता है तो इसका मतलब आया क्या दो बटा नौ ये आया वहीं से नौ आया है कहीं से नहीं, नहीं क्योंकि हम दस गुना किए थे अगर हम सौ गुना करते तो दो नौ आता नाइनटी नाइन क्या अलग बिल्कुल आएगा अलग अलग ऐसा भी नंबर हो सकते हैं पॉइंट टू थ्री टू थ्री टू थ्री टू थ्री ऐसे चलते जाता है तो लॉक लगा देते पॉइंट टू थ्री के ऊपर में जो रिपीट होते हैं जो बार बार आते हैं उन लोगों के ऊपर में लॉक को लगाते हैं अब इनको जब तोड़ते हैं तो हम सीधा सीधा बटा लिखते हैं पॉइंट के बदले और ये जो तेईस है उसको लिखते हैं और दोनों में रूट है मतलब बार है तो दो ठो क्या लिखेंगे ऐसे लिखा जाता है जब बेसिक से बनाते हैं तो सौ से गुना करते हैं वहां तो से गुना करते हैं तो इधर भी सौ से गुना हो जाता है तो पॉइंट आ जाता है दो घर के बाद आ, दो घर के बाद आता है तो यहाँ जब हिसाब किताब करते हैं तो 99 नाइन बचता है और वही नीचे आ जाता है ठीक है ना फिर ये सब पढ़ेंगे तो बाद में अभी नहीं है वो लेकिन परसेंटेज का खेल जैसा लगने लगता है चलो तो ये चीज आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा इससे थोड़ा सा क्या होगा कैलकुलेशन फास्ट होगा क्या होगा फास्ट होगा जैसे इसके बाद कुछ और है वो भी लिखा हुआ है देख लीजिए बोला एक बटा इक्कीस को ऐसा लिखा जाता है प्रतिशत में या फिर दशमलव के रूप में ऐसा लिखा जाता है और ये चलते जाता है लगभग में हम कहाँ तक लिखे हैं पच्चीस तक पच्चीस के बाद एक बटा तीस उसी तरह दो चार गो और भी है शायद है ना इसको जानना है हालांकि थोड़ा सा टाइम बचेगा इसको करने से थोड़ा बचेगा और कुछ नहीं ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा हमें है ना अब हम आगे चलेंगे हर क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा बहुत क्या को देखेंगे क्वेश्चन तो का क्वेश्चन होंगे जैसे पहला सवाल ये है पहला सवाल में बीमारी आ गया जो किसका बीमारी हो रहा है यार व्यक्ति का कोरोना बीमारी होगा शायद बोला है एक बीमारी हट बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार वजन कितना किलो से कितना किलो आसी किलो से शुरू होके चौसठ किलो रह रहा है अच्छा वजन घटा रहा होगा अपने ही है ना? अच्छा चाहे तो आप अनुपात बना के छोटा कर लो अरे नहीं चाहते हो कोई बात नहीं हमें बोला था कितना प्रतिशत क्या होगी कमी तो यहाँ कितना कम नजर आ रहा है माइनस करो बाबा वेरी गुड कहाँ से कमी नजर आ रहा है अस्सी से क्या में कमी नजर आना चाहिए प्रतिशत में बस आ गया सॉल्व करो परसेंट? वाह जिएगा, सब जीना चाहता है। चलो इसके बाद वाला में कौन जीना चाहता है देखें। अच्छा चाहे तो आप उसको अनुपात बना के भी पटक सकते हो क्या पात इसको आठ से काट ये दस से काट ये पांच से काट ये चार से काट अब पांच बटा इसका मतलब कितना कम आया कहा से आया पांच पांच मतलब ही क्या होता है बाबा चाहे तो ऐसा कर सकते हैं नहीं तो ठप्पा लगा के भी कर सकते हो बोले हंड्रेड परसेंट कितना कम आया है सुल्ला बराबर ऐसे कर सकते हैं ठीक है देखो कितने सवाल इसी पे आधारित सवाल पूछा गया है खतरनाक जैसे ये अब देखो जरा पॉइंट वाला कहानी सामने आया एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या एक लाख पैंतालीस हजार से बढ़कर दो लाख हो गई तो प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर प्रतिशत क्या है कुछ भी नहीं देखो आप सीधा सीधा एक लाख पैंतालीस हजार और दो लाख मतलब दो सौ क्या किया मैंने हजार हजार को क्या किया हटाया हाँ और भी काटना चाहते हो तो काटो मत काटो कितना अधिक है पचपन कहाँ से अधिक है क्या में अधिक होना चाहिए फटाक से बताओ आंसर कौन बता सकता है फटाक से और भी करना चाहता तो करो कोई मना नहीं किया चलो थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करो तभी मजा आएगा जिंदगी में क्वेश्चन नहीं लिखो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करो क्या जी या वेस्ट नहीं करो टाइम क्योंकि आप सोल्जर बनने वाले हो हाँ। आपको डायरेक्ट ढचांग मार देना है नंबर नंबर सी नम्बर। पक्का ना वेरी गुड जीना चाहते हैं ये जीना चाहते हैं काटो कितना प्यार से तो कट रहा है इसको भी और काट सकते हो कितना से पांच से पांच से काटो उसको भी पांच से काटेंगे तो ग्यारह होगा है ना और इसको पांच से काटेंगे तो पांच दुगने पांच नौ इसका मतलब उन्तीस का पहाड़ा जानने के लिए बोला है क्योंकि उसको जो है हमको लगता है ट्रेनिंग में वो उन्तीस हजार पेमेंट देगा लग रहा है इसीलिए शायद है क्योंकि उनको वो बोल रहा होगा कि उन्तीस पेमेंट देंगे हिसाब नहीं कर पाएगा तो इसलिए पहाड़ा जान के आना चाहिए उन्हें चलो तो बाबू एगारो दिख रहा है कितना सौ एगारह बटा कितना है अगर मैं इसको तीन गुना कर दूं तो लगभग में कुछ आएगा शायद चार में कहे चार में ज्यादा हो रहा है भाई तीन में जा रहा है तो तीन में जा रहा है और समथिंग समथिंग लिटिल स्टार बचेगा देख लो तीन नवा सत्ताईस बचा कितना दो तीन दुगने छह और दू बोलो आ, पक्का ना और कितना अच्छा ये आया और एक तो साथ में क्या होंगे जीरो तो आएंगे ना बॉस अच्छा हमने तो काटा था क्या कुछ हम्म कुछ बचेंगे इसको जब भाग करेंगे तो कुछ बचेंगे यहां से तीन से जाएगा और थोड़ा बचेगा और जब आएगा तो पॉइंट समथिंग आएगा है ना ऐसे आएंगे यही आंसर होगा ये ज्यादा पूरा काटना नहीं है एक दिखाई दिया बस काफी है नहीं तो पता चला पूरा ही काट रहे हो पूरा लगे हुए हो जब मर गया दुश्मन ढचंग ढचांग करके काहे बर्बाद कर रहे हो गोली क्या हाँ। अभी देखो मेहुल मेहुल तो किसी का नाम है शायद मेहुल कितना पांच लाख साठ हजार रुपये में एक कार खरीदता है आप लोग भी खरीदोगे पक्का मालूम है वह इसे पुनर्निर्मित करता है और अंततः तो इसे छह लाख चालीस हजार रुपया में बेचता है तो कार के मूल्य में वृद्धि कितना हुआ प्लीज बताओ बाबू पांच लाख कितना था और छह लाख कितना हो गया खत्म खत्म है ना सात आटे आठ आट आटे कितना वृद्धि हुआ एक कहां से हुआ याद करो वो कुर्बानी जो दिए थे कुछ देर पहले एक बटा सात दिखता है तो चौदह पूर्णांग दो बटा सात परसेंट होता है लेकिन बोलोगे नहीं है सर तो नहीं है तो कोई बात नहीं इसमें सौ गुना करने से होता है क्या से तो यानी कि सौ बटा कितना होगा ये देता तो भलो था यही दे दिया है आपको काटने नहीं बोला आंसर हो गया सो बटा कितना क्या चीज कहीं से कोई कार खरीदा और पुराना पुराना रहा होगा क्या रहा होगा फिर से थोड़ा बहुत क्या किया डिजाइन उजाइन कर दिया है ना थोड़ा मरम्मत वगैरह कर दिया और फिर से बेच रहा है इसीलिए फिर से बनाया मतलब और कुछ नहीं पेट्रोल ज्यादा खा रहा था तो थोड़ा सा बनाया कम खा रहा है तो ज्यादा कीमत में बेचा नेक्स्ट ये ने देखो बिल्कुल उसी तरह का सवाल है यहाँ पे दिमाग लगाओ बॉस पेट्रोल की कीमत देखो कार में पेट्रोल लगता है पेट्रोल की कीमत बेरासी नहीं इतना बिरानबे रुपया प्रति लीटर से बढ़कर इतना हो जाता है तो पेट्रोल की कीमत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी फटाक से बताओ तो आप बोलोगे बिरानबे था और कहाँ चला यानबे दशमलव पांच कितना बढ़ा साढ़े चार कहा से बढ़ा प्रतिशत में कितना हो? बस पता करो आप काटा काटी करो जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी फटाक से बताओ टाक से बताओ क्या होगा बताओ पटाक से बताओ जरा क्या होगा क्या होगा बताओ थोड़ा सा दो जी काटा काटी करो कितना प्यार से तो कटेगा हाँ जी देखो यहाँ पे बहुत नोटंकी किया है यहाँ पे फोर पॉइंट समथिंग समथिंग होना चाहिए क्या होगा तब फोर पॉइंट फाइव है कैसे फोर पॉइंट सेवन पक्का देखो बढ़िया से इसके बाद आगे थोड़ा सा जाओ गलती हो जाएगी नहीं तो है कितना आएगा सी नंबर आंसर होगा वेरी गुड ये जीना चाहती है ऐसे होगा तो थोड़ा सा और भाग करके देखो है ना सात के बाद कुछ आ रहा होगा बढ़ जा रहा है हम्म तो इसीलिए सात के बाद और बढ़ रहा है तो उधर जाएंगे थोड़ा किस कितने को सी आया आया अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है दो चार को बना लिए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं जैसे ये अब ये सवाल तो आप खुदे बना लोगे ऐसे सवाल तो फिर से आएंगे कि नहीं पता नहीं जल्दी से फटाक से बताओ 200 से 150 हो गया है बेचारा मतलब 200 से 150, सौ हम्म पच्चीस परसेंट वेरी गुड तो हमारे पास आंसर आना चाहिए कितना परसेंट 25। क्योंकि ये पांच बटा क्या आ रहा है, है? कुछ और आ रहा है चार और कितना आ रहा है और एक कमी हो रहा है एक बटा चार मतलब पच्चीस परसेंट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये सवाल देखो बबाल करके रखा है फटाक से बताओ एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष पांच से गिरकर इस वर्ष 3820 हो गई पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना प्रतिशत कमी आई पता कर लीजिए पटाख से पटाख से बताइए ये लाइव भी चल रहा है बॉस आज लाइव भी चल रहा है ये लाइव चल रहा है लाइव जो लाइव देख रहा है वो भी आंसर थोड़ा सा बताओ क्या जी कमेंट सेक्शन में लाइव चल रहा है फटाक से बताओ जी तो मोबाइल से नहीं करना बॉस पता चला पूरा मोबाइल है मोबाइल दे रहा है सीधा सीधा ही करना था पांच हजार छह सौ चालीस और तीन हजार कितना है अच्छा अनुपात ही बना देते हालांकि ये खत्म कीजिए ना तो ये अठारह सौ बीस रुपया कहां से कम है क्या में कम होना चाहिए दो ए वाला तो काट ही दो ऐसे आ गया दो आठ दो ऐसे और छोटा कर लीजिए इधर भी छोटा कर दीजिए कितना में एक होगा चार होगा एक होगा तो इधर क्या होगा पचास पांच एक पांच पांच नवा पैतालीस और बचेगा कितना और बटा में क्या है अच्छा टेंशन लेने की तो जरूरत है ही नहीं है ना क्योंकि वो काटते समय दिखेगा कि तीन बार में कटेगा जब तीन बार में लगभग एक बार में जब तीन से काटोगे तो और तो देखना वेरी गुड तो ज्यादा नहीं काटना भाई बिल्कुल ज्यादा नहीं काटना है देखो यहाँ पे 141 है और यहाँ 455 है तो तीन बार में जाएगा ना बस उसके बाद पॉइंट तोड़वाएंगे बाद में तो इधर तो है ही नहीं तीन तो इसलिए एक ही तो बना के खत्म करो बाकी सब बनाने की कोई दरकार नहीं चलो आगे बढ़ो क्योंकि ऑप्शन ऐसा देता है तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भाग नहीं करना पड़ेगा बच जाएंगे क्योंकि यहाँ दो है यहाँ एक है यहाँ दो है है ना तो यहाँ मात्र तीन एक ही तो है चलो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ऐसे सवाल दिया है देखो जरा इसको भी यदि ए की आय बी की आय से 40 परसेंट अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना पर्तिशत? कम है? आदमी 40 परसेंट मतलब दो बटा पांच दो बटा पांच मतलब पांच बटा उल्टा करो पांच बटा दो मतलब अढ़ाई अढ़ाई मतलब अढ़ाई सौ ऐसा कुछ है क्या नहीं है ये बाबा कहीं तो गलती नहीं की हमने अच्छा सॉरी चालीस परसेंट अधिक है ना इसका मतलब दो बटा पांच और दो बटा पांच मतलब इस दो को पांच में जोड़ दो तो दो बटा सात और दो बटा सात मतलब एक बटा सात चौदह होता है तो दो बटा सात अट्ठाइस होगा कहाँ है वो डी नंबर आंसर देखो समझो कहना चाहता हूं क्या हूं जैसे ए है और बी है इसका अगर सो है तो इसका एक सौ क्या बनेंगे चालिए रेशियो बना दीजिए तो क्या बनेंगे तो आप बोलोगे यहाँ पे जीरा यहाँ पे जीरा तो ये हो जाएगा कितना और इधर क्या होगा साथ। कितना कम है कहाँ से कम है प्रतिशत में क्या होगा तो बोलोगे दो सौ बटा क्या होगा सात तो ये अट्ठाईस आ जाना है यानी कि दो से पहले काटना है दो सत्य चौदह और ये आठ होगा है ना और यहाँ चार बटा कितना बनेगा ऐसे होंगे हालांकि दो बटा सात देख पा रहा हूं एक बटा सात का मतलब होता है चौदह पूर्णांग दो बटा कितना तो यहाँ पे दो गुना हुआ है इधर अगर दो गुना होगा तो इधर भी क्या गुना होगा तो दो गुना होने पर अट्ठाईस और चार बटा सात दिखेगा ना इसलिए वो खटाक से बना पाए बिना पेन पेपर मतलब बन सकता है ऐसे सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं जैसे इसके बाद ऐसे सवाल दिया है यहां पे कौन आया रामू यदि रामू का वेतन के वेतन से 10 परसेंट कम है तो भीमा का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है ध्यान दीजिएगा 10 परसेंट का मतलब एक बटा दस एक बटा दस तो एक को दस में घटाइए तो एक बटा नौ और एक बटा नौ मतलब ग्यारह दस मतलब एक, दस एक बटा नौ वाला होगा है ना डाउट है तो ऐसे देखो कौन कौन है यहाँ पे रामू और भीमा बोला भीमा के वेतन से दस कम है यानी कि इसका सौ है तो इसका क्या होगा नब्बे अनुपात बनाएंगे तो नौ अनुपात क्या होगा दस यहां से ये यह कितना अधिक है एक कहाँ से है प्रतिशत के दुनिया में बताइए एक ग्यारह नौ ग्यारह निन्यानबे एक बटन नौ ऐसे है ठीक है ऐसे सवाल था और इसी को दिया है ये जगह पे यही चीज मैंने लिखा था कहां पे लिखा था वो टेबल जो हमने किया था ना उस टेबल में यही सब तो था आपको यह चीज याद करके रखने से बेहतर होगा चलो आगे बढ़ता हूं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं ये भी देख लो बॉस क्या दिया है एक गांव की जनसंख्या एक वर्ष में साढ़े बारह हजार से बढ़कर पंद्रह हजार हो जाते हैं तो एक वर्ष में जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ प्लीज बताओ प्लीज जल्दी से बताओ ये तो गोटा गोटा नंबर है तुरंत पटक देते हम दो जीरा दो जीरा हट जाएगा इधर एक सौ पच्चीस इधर डेढ़ सौ तो क्या बनेंगे बॉस तो ये पांच पच्चीस और ये पच्चीस तो कितना अधिक है एक कहां से अधिक है पांच से क्या में अधिक होना चाहिए प्रतिशत कितना तो बोलेंगे बीस परसेंट आंसर हो गया 20%. बोलो किसी को को किसी को भी कोई दुख है लाइव देख रहे पार्टी लोग उसमें भी ऐसा है क्या इन्हें भी कुछ दुख है क्या नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद वाला सवाल देख लीजिए ये देखिए क्या बोलना चाहता है फटाक से बताओ ये तो बता पाओगे हैं कितना परसेंट पच्चीस परसेंट इतना जल्दी कैसे बता पाया अच्छा यदि पेट्रोल की कीमत में 25 परसेंट की इंक्रीमेंट होती है तो उसके खर्च समान रखते हुए एक व्यक्ति को खपत में कितना प्रतिशत की क्या होनी चाहिए करनी चाहिए ऐसे बोलना चाहता है समझिए बातें क्या कहना चाह रहा है एक होता है रेट क्या होता है एक होता है क्वांटिटी टिटी हाँ क्वांटिटी होता है रेट मतलब दर क्वांटिटी मतलब मात्रा जैसे मैं कहूंगा पांच रुपया करके कोई चॉकलेट मिलता है कितना रुपया और मैं दस चॉकलेट ले लू कितना चॉकलेट दस को चॉकलेट ले लू तो कितने मूल्य आएगा बिक्री के मूल्य कितना होनी चाहिए तो आप बोलोगे पचास रुपया पक्का क्या किए आपने इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस यानी कि रेट और क्वांटिटी को गुना करने से क्या बनती है समझे बात उसी तरह रेट पूछा जाएगा तो एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे किससे और अगर क्वांटिटी पूछा जाएगा तो एट किससे रेट से ये चीज हम जाना करते हैं पहले से जानते आए हैं लेकिन यहाँ क्या कहना चाहता है समझिए यहां आपको ऐसे बोलना चाहता है बोलना चाहता है 25 परसेंट की इंक्रीमेंट होगी ध्यान दीजिए एकदम थोड़ा सा बेसिक चीजें बता ही देता हूं बहुत लोग नए हैं लग रहा है हमें होता क्या है जैसे रेट मान लीजिए दिया है पांच रुपया से छ रुपया कितना रुपया रेट है मान लीजिए पांच रुपया पा लेता और अब हो गया रुपिया. और क्वांटिटी uh, हमको नहीं दिया लेकिन एक चीज बोला इसका जो खर्चा पानी है वो समान समान है क्या पानी खर्चा पानी इधर तीरिस रुपया है खर्चा तो बाद वाला में भी कितना रुपया होना चाहिए तिर मुझे बताओ शुरू में कितना क्वांटिटी था और बाद में कितना क्वांटिटी होगा कौन बता सकता है तो आप बोलोगे बाबा इनको इनको गुना करने से आना चाहिए था इसका मतलब यहां क्या आएगा इनको इनको भी गुना करने से वही आना चाहिए था तो कितना होगा तो जो तेरा था जो मेरा था बदलता है जब चीजें समान समान होती है तो बदलते हैं जमाने में ठीक है ना तो अभी यही चीज बोला है बोल तो रहा है बोला खर्चा जो है वो समान रखना है मतलब इधर समान समान होना चाहिए तो ये जब पलटी मार दोगे क्या मार दोगे कैसे मारेंगे देखो यहां देखने से लग अच्छा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं हाँ यहां देखने से पता चल रहा है कितना परसेंट वृद्धि हुआ था एक बटा पांच मतलब बीस परसेंट है ना तो यहां देखिए कितना परसेंट कम हुआ होगा तो बोले एक कम हुआ कितना से ये बाबू देखने से नहीं लग रहा है कि ये जो एक है वो नीचे में जोड़ा गया होगा तभी छह होया बस वही खेल यहाँ पे भी है और कुछ नहीं अभी वाला सवाल को देखो बोला है रेट में पच्चीस परसेंट की वृद्धि होगी पच्चीस मतलब एक बटा चार यानी कि शुरुआत में चार रुपया करके था तो अभी कितना रुपया होगा तो क्वांटिटी में क्या होगा तो बोल गए जो तेरा है वो मेरा होगा है ना कितना कम हुआ कहां से हुआ कितना हुआ आंसर हुआ आंसर जब ऐसे होते हैं तो ऐसे करते हैं इतना भी दिखावा नहीं करना है ऐसे देखो एक बटा चार वृद्धि तो एक को चार एक को चार में जोड़ दो एक बटा पांच एक बटा पांच मतलब बस हो गया अगर बोल देता तैतीस दशमलव तीन तीन, तीन परसेंट वृद्धि इसका मतलब एक बटा तीन एक बटा तीन मतलब एक को तीन में जोड़ो एक बटा चार एक बटा चार मतलब पच्चीस परसेंट अगर बोल देता यहाँ पचास परसेंट वृद्धि कितना परसेंट इसका मतलब एक बटा दू एक बटा दू मतलब एक को दो में जोड़िए एक बटा तीन और एक बटा तीन मतलब तैतीस दशमलव तीन 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 ऐसे होता तो वृद्धि बोले तो नीचे वाला में जोड़ देना ऊपर वाला को और कमी बोले तो ऊपर वाला को नीचे में घटा देना क्या देना जैसे इसी सवाल में ऐसे बोल देता पच्चीस परसेंट कमी होती है कितना परसेंट तो कितना वृद्धि होनी चाहिए ऐसे बोलता तो पच्चीस परसेंट कमी मतलब एक बटा एक बटा चार एक बटा चार तो एक को चार में घटाइए तैतीस तो दशमलव एक बटा कमी छ मतलब एक को छ में घटाइए एक बटा पांच मतलब बीस परसेंट आंसर हो जाता तो चुटकी बजाते ही दुश्मन भाग जाते समझे ना हाँ आप मत भागना, आगे बढ़ो भाई ये भी शायद ऐसे ही है पांच परसेंट की क्या कर रहा है वो कमी तो और बोला कोई परिवार अगर चीनी का खर्चा करना चाहता है और पहले जैसे खर्चा ठो रखना चाहता है तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा चीनी का खपत मतलब चीनी का मतलब जो खपत है वो ज्यादा करेगा मतलब दाम घट रहा है तो ज्यादा चीनी मिलेगा तो कितना परसेंट ज्यादा खाएंगे वो लोग यही पूछा जा रहा है तो बाबू पांच परसेंट मतलब एक बटा कुड़ी अरे एक बटा कूड़ी मतलब एक को इसमें क्या कर दो घटाओ तो हो जाएगा एक बटा क्या उन्नीस और प्रतिशत के दुनिया में ले जाओ तो पांच में जाएगा बॉस और पांच बटा क्या होगा इसीलिए एक बटा उन्नीस को हमने टेबल में दिखाया था ताकि आप बिना कैलकुलेट किए ही आप थोड़ा सा जल्दी कर पाओ नहीं तो काटते रहना पड़ेगा क्या इसीलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जैसे ये सवाल कॉलेज में पहुंच गया हाँ घाटशिला कॉलेज ही है ये घाटशिला कॉलेज है बताओ ये घाटशिला कॉलेज में क्या नोटेंकी है दिखाओ अच्छा एम कॉम तक तो पढ़ाई होता है एम कॉम एम ए कौन बता पाएगा कितना प्यारा सा सवाल है सवाल में बोलता है 500 में से 450 लोग पास हुए मतलब टोटल 500 सौ थे तो उसमें से 450 पास और टोटल 2000 लोग थे इधर उसमें से कितने 1500 तो कुल मिलाकर कितने लोग थे पच्चीस हजार टोटल कितने लोग पास हुए बोलो तो प्रतिशत में पता करना है क्या में प्रतिशत में तो बोले गए प्रतिशत में बदल देंगे इसको पच्चीस सौ में से बस दो जीरा दो जीरा देखो आराम से कटेगा आराम से काटो इसको कौन बता सकता है जिंदगी में बोलो सेवेंटी एट है? है नहीं बोलोगे अच्छा आप ही के हिसाब से बनाओ आपको दिखाई देता है नहीं आप इधर आ जाओ इधर आ जाओ यहाँ ये तो बहुत बड़ा एरिया है आर्मी लोग को तो थोड़ा सा जगह चाहिए होता है क्या जगह खुद बना लेते हैं डिचा डिचा कर देगा ये तो यहाँ लेके आ जाइए वहां से व्यवस्था आर्मी लोग अपना जो बॉरी बिस्तर है ना खुद से लेके आता है हम्मी एट ही आया बस सेवेंटी एट हम्म सेवेंटी एट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन <coughs> जैसे ये है अच्छा शायद रूप बदलेगा अब क्वेश्चन में अब देखो रूप बदल रहा है चलो दिमाग लगाओ क्या होगा एक संख्या में 25 परसेंट की कमी की जाती है और फिर 25 परसेंट की वृद्धि तो बोला उसमें हुई शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी बता दीजिए ध्यान दो ऐसे जब दो ठो प्रतिशत वैल्यू होता है है ना और उस तरह से कर्मागत वृद्धि कमी वृद्धि कमी कमी वृद्धि या वृद्धि वृद्धि या कमी कमी ऐसा दिया रहे तो अक्सर उसको एबी रूल के फॉर्मूला से खत्म करते हैं एबी रूल का मतलब दो प्रतिशत वैल्यू को कंप्रेस करके एक सिंगल प्रतिशत में बदलना है ना तो ऐसे करते हैं देखिए पहला तरीका तो ऐसा है कि पच्चीस परसेंट अच्छा पच्चीस परसेंट का मतलब क्या होता है एक बटा शुरू में अगर वो संख्या चार था क्या था चार था तो अब तो कमी हुआ है तो तीन हुआ होगा अब फिर बोला पच्चीस परसेंट वृद्धि तो बोलोगे शुरू में चार था तो अब वृद्धि होगा पहले कितना था दोनों को गुना करेंगे नंबर्स को तो सोलह बाद में क्या होगा तो सोलह से पंद्रह कितना घटा एक बटा सोलह टेबल में दिया था तो सौ बटा सोलह होता है सौ बटा सोलह मतलब पच्चीस बटा चार और पच्चीस बटा चार मतलब छ चारे चौबीस एक बटा चार छ चारे चौबीस और एक बटा चार है ना? छ चारे चौबीस एक बटा चार तो इसको प्रतिशत के दुनिया में लेके जाएंगे तो छ चारे चौबीस एक बटा चार कभी कभी आपका पांच सेकेंड बच जाता है पांच सेकेंड में पांच दुश्मन को गोली से भून सकते हो समझे? इसलिए इसको ध्यान रखना एक तरीका ऐसा होता है नहीं तो बी रूल लगाते हैं हम लोग क्या रूल ए बी रूल कैसे लगाते हैं का रूल कहते हैं इनको तो तो 25% कमी 25 माइनस में लिखेंगे 25% परसेंट वृद्धि तो 25 प्लस में लिखते हैं प्लस माइनस ऊपर में तो दोनों गुना होता है अच्छा प्लस माइनस गुना करते हैं बाबा को गुना करने से ये आता है जोड़ने से नहीं गुना बट्टा क्या ये तो कट ही जाएगा तो इसका मतलब पच्चीस चौका और पच्चीस बट्टा चार है ना माइनस में है इसका मतलब कम ही होगा तो छह पूर्णांग एक बट्टा क्या बनेगा ऐसे एक नहीं अनेक क्वेश्चन है हमको लगता है कम से कम पंद्रह क्वेश्चन पूछा है कितने क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन आपको वो वाला तरीके से करना है क्योंकि ये तो अच्छा लगा था क्योंकि पच्चीस परसेंट था अगर मान लीजिए तेईस परसेंट रहता अट्ठाईस परसेंट रहता सत्रह परसेंट रहता तो वो करते नहीं तो कहानी बहुत गंभीर होता जैसे इसका देखते हैं ये देखो क्या है हाँ सेम सेम होने तो और इजी होता है अलग भी रह सकता है लेकिन आपको तो यही सब दिया है ये एग्जाम के क्वेश्चन है इसलिए मैं दे दिया नहीं तो मैं अलग अलग भी दे सकता था बताओ कितना होगा बीस बीस तो ऐसे कटेगा बीस बीस को ऊपर में गुना करें सौ से भाग करेंगे है ना तो बीस गुना बीस लिखेंगे हम वेरी गुड और बटा सौ लिखेंगे तो दो जीरा क्या आया और अक्सर जब सेम सेम होते हैं तो कमी होता है क्या होता है कमी ही होता है तो कमी मतलब माइनस चार परसेंट की कमी कहाँ है चार परसेंट की कमी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ओ देखो आठ परसेंट बोलो अभी वृद्धि कमी वृद्धि कमी आठ आट अटे चौसठ को सौ से भाग कीजिए पॉइंट सिक्स फोर पॉइंट सिक्स फोर कमी होना चाहिए ये है आंसर है ऐसा बोलो किसी को कोई दुख नहीं है आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट तो देखो तेरह वन सिक्सटी नाइन सौ से भाग कीजिए वन पॉइंट सिक्स नाइन कमी होना चाहिए कहाँ है कमी तो कमी बोला है वन सिक्स नाइन वन सिक्स नाइन पहचान पा रहे हो माइनस तेरा प्लस तेरा प्लस तेरा तो ऐसा ऐसा होगा काँग काँग कटेगा तो माइनस वन सिक्स नाइन घर आगे तो कमी ऐसे होगा ठीक है ना सब आपको 2023 का सवाल रहा है अब देखो फिर से फिर समान समान कांचा बादाम बोलो बादाम क्या आया वाह सोला आ, तो कभी -कभी दुश्मन को ना यूं ही बड़ा आंख देख के भी भगा सकते हो गोली दागने की तुरंत ऐसे करके देखो ओ चालीसो दुश्मन ओ दुश्मन चार चार कितना सोल्ला कभी कभी ऐसा होता है है ना हम्म चलो आगे लेकिन हट्टा कट्टा रहोगे तब आप ढुनू मुनु रहोगे यार ऐसे करके देखोगे ऐसा लगेगा गोटी खोल मतलब आंख को निकाल के गोटी खेलेगा वो हो नहीं सकता आपको भी इधर होना चाहिए तंदुरुस्त क्या हाँ अब थोड़ा सा अलग है बॉस अब थोड़ा खाने पीने का बात बोल रहा होगा वृद्धाश्रम बड़ी दयावान है आदमी लोग पढ़ो एक एक नाम है ए और उसके वेतन का कितना परसेंट पैतालीस परसेंट भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का पांच परसेंट वृद्धाश्रम में दान करता है अच्छा यदि वो भोजन और वृद्धाश्रम में कितना रुपया देता है खर्चा के लिए तो ए का वेतन कितना रहा होगा बाबू टोटल वेतन क्या मान लो तो अगर टोटल वेतन सौ मानोगे तो पैंतालीस परसेंट तो पैंतालीस रुपया होगा और पांच परसेंट एक्स्ट्रा है इसका मतलब कुल मिलाकर कितना खर्चा करेगा तो पचास खर्चा कर रहा है क्या खर्चा कर रहा है मतलब उसने तो खर्चा में ही पचास लगाया इसका मतलब डबल आधा का सीन है तो बोले के पचास खर्चा के बराबर में क्या दिया है तो वेतन क्या होगा तो डबल होगा क्या तो क्या आ जाना चाहिए इधर का डबल अट्ठाईस का डबल छप्पन हुआ और इधर 500 सौ पांच सौ एक हजार हजार पेमेंट है सत्तावन हजार आपका भी होने वाला है लेकिन ऐसे नहीं थोड़ा सा गोली बारूद मारना सीखो तभी होगा ये चार दुश्मन को में से एक दुश्मन को भी नहीं उड़ा पाओगे तो फिर वहां कैसे होगा जरूरी है कोई दुख नहीं तो चलो दुख लेके आता हूं ये देखो दुख है टीना भी आई है वो भी शायद सोल्जर ही बनी है और वो तो ईंधन अच्छा मिलिट्री वाला गाड़ी का ईंधन लेकिन थोड़ा सा कहानी में बदलाव है हल्का सा क्या बोलना चाहती है पढ़ो जरा बोलना चाहती है टीना अपने वेतन का तीस परसेंट भोजन में और जो बचेगा उसका तीस परसेंट खर्चा करेगी ईंधन में और उसके बाद जो बचता है उनके पास वो रहता है मान लीजिए उसका वेतन कितना तो सौ का कितना परसेंट सौ का तीस परसेंट कितना होता है तीस तो बचेगा कितना सत्तर परसेंट सत्तर परसेंट मतलब सत्तर रुपया अब सत्तर बचा है उसका फिर खर्चा करेगी कितना तीस परसेंट सत्तर का तीस परसेंट कितना होता है मार खाएंगे चालीस होता है सत्तर का तीस परसेंट तीन सा हम्म hmm. बाबू सत्तर से इक्कीस आया तो शेष कितना बचेला है यहाँ ऐसा नहीं बोलना कि चालीस है कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है हंड्रेड तो ये जो बचा हुआ था वो खुद अपने आप में हंड्रेड है तो तीरिस इधर लूट लिया तो सत्तर फिर बचेगा तो जानते हो सत्तर से इनको घटाएंगे तो फोर्टी ना आएगा ये बचा हुआ है लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं रे पागल कितना बचा हुआ है हम्म hmm. तो बोलेगा कोई बात नहीं दिल पे कह लेते हैं। हमने तो सौ माना था तो बोले गए सौ बराबर तो ये इंद को काटेगा और ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो क्या आएंगे इतना नहीं करना चाहते हो तो ऐसा करो है ना झोला लेके आ जाओ बेतन को रखोगे जो क्या लेके आ जाओ झोला ये देखो बेतन मान लीजिए झोला रखा बेतन का कितना हाँ, बोला पहले कि तीस परसेंट खर्चा करता हूं अच्छा तीस परसेंट खर्चा करेगा तो बचेगा कितना भोजन में तीस परसेंट तो बचेगा सत्तर बचेगा कि नहीं ये जो बचा हुआ है श्रेष्ठ हो उसका फिर कितना परसेंट खर्चा होगा फिर तीस खर्चा होगा तो फिर कितना परसेंट बचेगा सत्तर तो फिर सत्तर बचेगा और लास्ट में बोल रहा है बचेगा कितना तो काँग 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 काटेंगे काँग काँग काटेगा क्या तो ये एक्स का मान झोला था ना ये तो एक्स का झोला मतलब झोला में तो वेतन आता है तो इनको गुना करेंगे तो कितना हजार आया दस हजार ऐसा भी कर सकते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं जैसे इस सवाल को देखेंगे ये है? इस तरह का सवाल नहीं है तो इस तरह का होगा तब ये सवाल तो वही है जो कुछ देर पहले रेट क्वांटिटी ये सब किए थे उस तरह का सवाल है ए भी रूल से भी बना सकते हो क्या बोला रेट में दस परसेंट क्या होगी दस परसेंट कमी होना मतलब एक बटा दस यानी कि दस रुपया पहले था तो नौ रुपया दाम हो गया अब लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री में 20 परसेंट की वृद्धि होगी मतलब पहले अगर 100 वस्तु बेचा जाता था तो अब 20 परसेंट कम होगा मतलब सॉरी 20 परसेंट क्या होगा वृद्धि इसका एक सौ बीस बेचा जाएगा अर्थात बीस परसेंट का मतलब क्या होता है एक बटा पांच यानी कि पहले अगर पांच सामान बेचा जाता था तो अब एक सामान क्या होंगे वृद्धि बस हो गया आपको पता है बिक्री का जो खर्चा पानी है गुना करने से होगा और गुना करने से होगा कितना वृद्धि हुआ कहां से हुआ क्या हुआ कितना हुआ आठ हुआ वृद्धि हुआ है वृद्धि लेकिन एबी रूल करने से थोड़ा आसान था दस परसेंट कमी आया बीस परसेंट वृद्धि हुआ प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस आएगा ऊपर में दोनों गुना बट्टा में सो है कि नहीं तो बोलोगे क्या आएगा तो ये तो प्लस में दस बचेगा और यहाँ कितना होगा दो इसका मतलब प्लस में आठ आया मतलब वृद्धि हुआ क्या हुआ हम्म बोलो किसी को कोई दुख है तो प्लस में आया तो वृद्धि माइनस में आया तो क्या मी कमी। ऐसा तो ये सब सवाल पूछे गए थे एग्जाम में जैसे आगे और है अभी कम नहीं है हमको लगता है एक क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज का प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक सबसे ज्यादा जो सवाल जीडी में पूछे गए थे लास्ट ईयर में वो रेशियो से पूछा गया था परसेंटेज से और प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्काउंट से थोड़ा कम हल्का सा और मैं से पूछा गया था बाकी से नहीं पूछा था ज्यादा सी आई एस आई से भी थोड़ा कम उतना नहीं जितना ये लोग का है एलोंग तो ज्यादा ही ठीक है खैर क्या पता अगले बार पूछ दे ऐसा थोड़े है कि अभी पूछा है तो नहीं पूछेगा क्या ऐसा थोड़े है कि आज अगर दुश्मन अटैक नहीं किया तो कल नहीं करेगा ऐसा नहीं होता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो गाड़ी में तेल लेना है अब तेल की मूल्य कितना परसेंट पच्चीस परसेंट से बढ़ता है और अर्पित तेल पर किए गए खर्च को दस परसेंट से बढ़ाया जाता है तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा को कितना प्रतिशत कम करेगा देखो कितना खतरनाक सवाल नहीं लग रहा है पच्चीस परसेंट बढ़ता है तेल का कीमत और बोला अर्पित तेल पर किए गए खर्च को दस परसेंट से बढ़ाता है क्या करता है दस परसेंट से बढ़ाता है तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा ज्ञात कीजिए इतने सारे अच्छा अच्छा ऑप्शन है कौन बता सकता है फटाओ सोचो थोड़ा सा सोचो क्या होगा जल्दी बताओ क्या होगा दिमाग लगाओ फटाक से यार यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का जीवन का है ना दिमाग लगाओ जल्दी फटाक से नहीं आया बड़ी दुख है यार बता सकते हो अरे वही क्वेश्चन उल्टा करके दिया है एक्चुअली मूल्य दिया है एक्चुअली मात्रा में पूछा जा रहा कितना कम समझे आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि रेट जो दिया है वो क्या लिखा है पच्चीस परसेंट बढ़ता है पच्चीस परसेंट मतलब चार से क्या बनेगा पांच लेकिन अब क्वांटिटी नहीं दिया वही तो मांगा जा रहा है कितना कमी करना है लेकिन आपको जो एक्सपेंसेस है वो दिया है बोला उसका जो खर्चा पानी है वो दस परसेंट बढ़ेगा दस परसेंट मतलब एक बटा दस एक बटा दस मतलब दस से क्या बन जाएगा एगार ए बाबू तो क्वांटिटी का कैसे आएगा बाबू तो बोले के खर्चा पानी को किससे बात करोगे हाँ भूल मत जाओ कुछ देर पहले लिखे थे ए बाबू पांच और ए बाबू कितना दो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये उधर जाएगा ये इधर आएगा तो ये पच्चीस होगा और ये कितना की कमी आया कहां से आया कितना में आएगा कितना आएगा बोलो बारह जबरदस्ती बोलो बारह परसेंट की कमी तो आएगा क्वेश्चन का भाषा बदल देता है और कितने लोगों का आशा टूट जाता है क्या चलो आज के लिए इतना ही सभी ए बी रूल से करना चाहते हो वेरी गुड तो रूल उसे ऐसे करो पच्चीस परसेंट क्या करने बोला है वृद्धि और कितना कमी करेगा नहीं जानी प्लस माइनस माइनस ऊपर में दोनों गुना बटा में लिखोगे सौ और बराबर में लिखोगे मात्र दस परसेंट इंक्रीमेंट सॉल्व करो एक्स का मान आएगा ला वही आएगा जो वहां दिख रहा है बारह परसेंट की क्या कमी वही क्वेश्चन घुमा है और कुछ नहीं है ठीक है चलो आज के लिए इतना ही गुड नाइट सब पढ़ते रहो क्योंकि अभी काफी कम है समय और जरूरी है आगे और भी क्वेश्चन है इसका उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे ठीक है ना बाकी डाउट वगैरह होगा पूछना ग्रुप तो आपके पास आ चुका है हाँ ग्रुप आ चुका है